हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन वर्क। तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये है हमारा जो अमरीज लिली था। लिली आप जान ही रहे हैं कि लिली कई प्रकार की होती है, रेन लिली, और ये आपको दिखाया था मैंने, इसकी वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो अभी मेरी से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं फिर भी जो है काफ़ी 4-5 दिन हो गए शायद वीडियो फुल वाली अपलोड करें, तो मैंने सोचा कि आप लोग काफ़ी वेट कर रहे होंगे तो मैं अब अपलोड कर देती हूँ। और दूसरी बात है ना, इसको देना भी ज़रूरी था इस वीडियो को आप लोग को, क्योंकि इसका जब सीज़न निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि जब जब चीज़ें मतलब टाइम रहता है, और अगर आपको वीडियो दिख जाए तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये हमारी जो है आजकल आप देख रहे थे कि लिली, ये देखिए, ये इसके फूल हैं, ये सूख चुके हैं, अब इसका सीज़न ऑफ हो गया है। तो क्या होता है कि एक हमने बताया था आपको, इस लिली को जो है प्रोपोगेट करने का 2 तरीका होता है। एक तो ये शीट के द्वारा, ये इसके शीट पॉड है, इसके द्वारा होता है, और एक जो है बल्ब। ये देखिए, ये जो बल्ब होते हैं, इनके द्वारा आप हम जो है नए नए बल्ब को लगा के नए नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। दूसरा होता है शीट पॉड। आपको ध्यान रखना ये है कि जो शीट पॉड है वो किस तरीके से हैं और कौन से शीट पॉड हमारे ग्रो होंगे। तो फूल तो देखिए सारे में थे, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें भी फूल था, इसमें भी फूल था, इसमें भी था और इसमें भी था। लेकिन शीट पॉड जो है किसी किसी में बना है, सारे में जो है शीट पॉड नहीं बने हैं। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए आपको ये जो स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये देखिए, ये शीट पॉड ऐसे ही सूख गया है, इसमें कुछ भी नहीं था, नथिंग। देखिए दूसरा जो है, ये शीट पॉड है, ये थोड़ा सा मैच्योर हुआ था, लेकिन पूरा ये इसमें शीट्स अंदर नहीं है, ये भी मैच्योर नहीं है, ये भी ऐसे ही है। मैं आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ, अभी टूटेगा नहीं। ये देखिए, ये शीट पॉड अगर हम लगे भी रहने देते, ये देखिए, तो इसमें बहुत अच्छे से मैच्योर ना होते, क्योंकि इसका जो ये बल्ब था ये बहुत मोटा नहीं हो रहा था। दूसरी स्टेज हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये है, ये शीट पॉट जो है इसमें अंदर शीट्स हैं, और ये शीट्स हम ग्रो कर सकते हैं, इनको ग्रो करके फिर हम एक नया पौधा लिली का तैयार कर सकते हैं, और उसमें हमें जो है फिर जो है बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो शीट होंगे शीट से ही नए बल्ब हमारे तैयार हो जाएंगे। और दूसरा जो है, ये आपको दिखाया ही मैंने कि जो बल्ब होते हैं वो हमेशा आप जब लीजिए मार्केट से तो बड़ी साइज़ का लीजिए, जब बड़ी साइज़ का लेंगे तो वो उसी साल जो है आपको ऐसे ही जो ये है स्टेम निकलेगी, और उसमें आपको फूल जो है तुरंत के तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको बाद में आपको अपडेट दूंगी, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप फट जाता है, ये बल्ब जो है लिली वाला, ये फट जाएगा ऊपर से, है ना, और इसमें जो है शीट्स निकलेंगे ब्लैक कलर के। तो आप इनको जो है थोड़ा सा जो है धूप में और सुखा लीजिए, जिससे ये ख़राब ना हो, और किसी पॉलिथीन या एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं और ख़ुद भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तरीका आपका इस लिली को सेव करने का और नए प्लांट तैयार करने का फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारी 2 बल्ब तैयार हो रहे हैं, मैंने इसको छोड़ दिया है। अब ये जो है थोड़े से जब ये एकदम सूख जाएंगे, मतलब अपने आप ऐसे ग्रीन ग्रीन रहेंगे और सूख जाएंगे, उसके बाद अपने आप फट भी जाते हैं ऊपर से। तो जब फटेगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, फटेगा, तो मैं आपको इसकी अपडेट या शॉर्ट्स में आपको दे दूंगी, या हो सकता है मैं फुल वीडियो बना के दे दूँ। फिलहाल मैं अभी आज लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन चूँकि अगर फट जाता ये तो मैं इस टाइप का या इस पोजिशन पर आपकी वीडियो आपको ना दे सकती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जो अभी टाइम है इसको मैं आपको दे दूँ, इसकी अपडेट दे दूँ, उसके बाद फिर जब ये फटेगा, जब इसमें से शीट्स निकलेंगे, तो मैं शीट को कैसे कलेक्ट करना है सारी चीज़ें आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए शॉर्ट्स के साथ, और अगर हाँ, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, और इसको वेस्ट समझ के फेंके ना, इसको सेव करें, और इसमें बहुत सारे सीड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें और लोगों को दे सके, खुद भी ग्रो कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यार सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं कहीं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।